कमेटी द्वारा 12 दिसंबर को राजधानी जयपुर में महंगाई हटाओ रैली होगी और जिसको लेकर मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस वार्ता में बताया कि एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी अजय माकन, पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा सहित सभी मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली की इजाजत नहीं मिलने के बाद ये रैली अब जयपुर में होगी। दिल्ली में रैली की इजाजत नहीं मिलने को कांग्रेस ने केंद्र सरकार का डर बताया है। राजधानी जयपुर में 12 दिसंबर को होने जा रही महंगाई हटाओ रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कांग्रेस के तमाम नेता जुटेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस रैली में लाखों की संख्या में भीड़ भी जुटेगी और केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेगी। ऐसे वक्त में अगर पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करती रैली महंगाई को लेके, तो क्या कारण था उन्होंने उसको मना कर दिया। हम सोनिया जी, राहुल जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने रास्ता को चुना है जयपुर को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान से लोग आएंगे बड़ी संख्या में, पूरे मुल्क से लोग आएंगे। अपने अपने प्रभार के जिलों में जाइए, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए, अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में जाइए। भीड़ लेकर आना आपकी सबकी जिम्मेदारी है। वहां पर कैसे आएंगे लोग, बसों से आएंगे, कार से, जीप से, सबको वापस 7 तारीख को सूचना देनी होगी। अभी पीसीसी में मीटिंग है, बताना होगा, कोई बहाना नहीं। यही परफॉर्मेंस तय करेगी कौन राजस्थान में आने वाले चुनाव में जिन सीटों पर हम हार गए वहां पर भी जो बड़ी तादाद में भीड़ लेकर आएगा। ये इस वक्त पूरे देश की जनता की जो मदद करने के लिए कांग्रेस संगठन की राष्ट्रव्यापी रैली में जयपुर में शामिल होगा, अपनी ताकत दिखाने का उनको मौका है। 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली रैली को लेकर बैठक में मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाकर मीटिंग लेने को कहा है। रैली में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी मंत्रियों के साथ विधायकों, चुनाव में उम्मीदवार रहे नेताओं को भी दी गई है। खाचरियावास ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जैसी मूलभूत सुविधाओं की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरना है। रैली को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी देश को संबोधित करेंगी। लीडर्स और कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, क्योंकि हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि कांग्रेस की लीडरशिप ने राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं पे और कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा जताया है, और इसीलिए सब लोगों ने तय किया है कि कांग्रेस के सभी मिनिस्टर्स, कांग्रेस के सभी लीडर्स डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स, गांव के अंदर जा करके मीटिंग्स अगले 3 दिन के अंदर लेंगे और महंगाई हटाओ रैली के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, उनको समझाएंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से मोदी सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। दरअसल देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। इसके लिए पार्टी ने तय किया है कि जब तक केंद्र सरकार पीछे नहीं हटती, संघर्ष जारी रखा जाएगा। कृषि कानूनों पर केंद्र के बैकफुट पर आने से कांग्रेस उत्साहित है और रणनीति बना रही है कि इस मूवमेंट को कम ना होने दिया जाए। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। महंगाई को लेकर